हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हेयर फॉल, हेयर लॉस यानी बाल झड़ना, जिसे मेडिकल टर्म में एलोपेशिया कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि हेयर फॉल क्या है, कब कहते हैं, हेयर फॉल किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सब डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। हेयर लॉस कब कहते हैं? नॉर्मल व्यक्ति में रोजाना 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है और उस जगह पे नए बाल आना, ग्रो होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में 100 से ज़्यादा बाल झड़ते हैं और उस जगह पे नए बाल नहीं आते हैं, ग्रो नहीं होते हैं, तब हम उसे एलोपेशिया कहते हैं, हेयर लॉस कहते हैं। तो आइए देखते हैं हेयर लॉस किन किन कारणों से होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मतलब अनुवंशिक कारणों से, हेरिडेटरी प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल होना। अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को या फिर पूर्वजों को किसी को हेयर फॉल की हिस्ट्री है, हेयर फॉल हुआ था, तो आपको भी हेयर फॉल होने के चांसेस रहते हैं। फीमेल्स में फीमेल पैटर्न में और मेल्स में मेल पैटर्न में हेयर फॉल दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है एलोपेशिया एरिएटा, एक ऑटोइम्यून डिसीज है। इसमें क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम ही आपके हेयर फॉलिकल्स को, हेयर्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है। ये हेयर फॉल जो है आपके हेड से भी हो सकता है या फिर बॉडी पे जो हेयर्स है वहाँ पे भी हेयर फॉल दिखाई देता है। नेक्स्ट टाइप आता है टीलोजन एफ्लुवियम। इसमें क्या होता है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो या फिर डिप्रेशन हो या फिर सडन हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे कि PCOD, PCOS या फिर डिलीवरी के बाद या फिर मेनोपॉज में रैपिडली हेयर फॉल दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है एनाजन एफ्लुवियम। इसमें क्या होता है, मेडिसिन की वजह से, दवाई की वजह से हेयर फॉल होता है, जैसे कि एंटी कन्वल्सेंट्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स लेने की वजह से हेयर फॉल दिखाई देता है या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी लेने की वजह से भी हेयर फॉल या हेयर लॉस दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आपके सिर में फंगल इन्फेक्शन है या फिर सोरियासिस हुआ है, ड्राइनेस है, डैंड्रफ ज़्यादा मात्रा में है, तो इन कारणों की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। या फिर आप जो हेयर स्टाइल है बहुत टाइट तरीके से करते हो, टाइट पोनी डालते हो या फिर बहुत टाइट बांधते हो बालों को, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। या फिर आप प्रॉपर हेयर केयर नहीं करते हो, यानी शैम्पू बार बार बदलते हो, हेयर ऑयल बार बार बदलते हो या फिर रोजाना हेड बाथ करते हो या फिर जिस शैम्पू में ऑयल में केमिकल्स ज़्यादा है वो यूज़ करते हो या फिर हेयर ड्रायर हमेशा यूज़ करते हो, हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हो, इससे भी क्या होता है, बाल रफ हो जाते हैं या फिर वीक हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, न्यूट्रिशन की कमी होना, यानी अगर आप आपके खाने में न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेते हो और जब आप में आयरन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, तब भी हेयर फॉल हो सकता है। तो आइए देखते हैं हेयर लॉस के सिम्टम्स या लक्षण क्या है। तो मेल पैटर्न बाल्डनेस में क्या होता है, हेयर लाइन जो है पीछे चली जाती है, और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में क्या होता है, बाल जो है पतले हो जाते हैं, पैच फॉर्म में हेयर फॉल दिखाई देता है। इसके साथ साथ हेयर्स जो है हर जगह दिखाई देते हैं, यानी कपड़ों पे हेयर्स दिखाई देते हैं, कोम में ज़्यादा हेयर्स दिखाई देते हैं, पिलो कवर्स पे, बेडशीट पे, बाथरूम में, हर जगह हेयर फॉल दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हमें कॉज को ट्रीट करना चाहिए, यानी अगर आपको PCOD, PCOS की समस्या है तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी ज़रूरी है, क्योंकि PCOD, PCOS में हेयर फॉल दिखाई देता है। अगर आप PCOD, PCOS को ही ट्रीट करते हो तो अपने आप हेयर फॉल कम हो जाता है।
इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर स्काल्प में इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है या फिर सोरियासिस है या फिर डैंड्रफ है, तो इसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप में खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो इसको भी ट्रीट करना चाहिए। खून के लिए आयरन रिच फूड लेना चाहिए। या फिर आप में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, यानी आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो इसके लिए आपके खाने में आप आयरन, प्रोटीन रिच या फिर विटामिन रिच फूड लेना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रॉपर हेयर केयर करना ज़रूरी है, यानी बहुत गर्म पानी से हेड बाथ नहीं करना चाहिए, रोज़ाना हेड बाथ नहीं करना चाहिए, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए, या फिर जो शैम्पू या ऑयल है जिनमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा है वैसे अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।